आपको बताएं, NA-119 लाहौर से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर। एपलेट ट्राइब्यूनल ने मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। इसी पर बात करते हैं, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अहमद नदीम अरशद पर मुश्तमल इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल में इसकी समाअत हुई, तो नदीम अल्ताफ खान जो कि जिनका तलक पीटीआई से था, उन्होंने मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ एतराज़ उठाया और उनका मौक़ ये था कि 119 से मरियम नवाज ने कागजात नामजदगी उनके मंजूर किए गए हैं और वो कानूनी तौर पर इंतखाब लड़ने के लिए अहल नहीं है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इनकी कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील की मुखालफत की। कहा कि जो मरियम नवाज हैं वो तमाम कानूनी तकाजे पूरे करती हैं और रिटर्निंग अफसर ने उनके कागजात नामजदगी मैट पर मंजूर किए हैं। जस्टिस अहमद नदीम अरशद पर मुश्तमल इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने फ्री कैन के वकला की दलाइल सुनने के बाद मरियम नवाज के कागजात नामजदगी के खिलाफ इलेक्शन अपील खारिज कर दी है और रिटर्निंग अफसर का मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर करने का फैसला बरकरार रखा है। जी बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ।